जी न्यूज पर अब आपको दिखाएंगे हमारी खास पेशकश। कश्मीर में सेना और पुलिस की लगातार ये कोशिश रहती है कि युवाओं को आतंकवाद और पत्थरबाजी के रास्ते से हटाएं। इस कोशिश पर एक खास कवरेज आपको दिखाते हैं सीधे जम्मू कश्मीर से। नमस्कार, मैं हूं अमित प्रकाश और इस वक्त हमारे साथ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर विजय कुमार साहब हमारे साथ हैं। और हम आज जब बात कर रहे हैं तो मिलिटेंसी जब पीक पे था उस वक्त भी जब इन्होंने सर्व किया था और अब 370 हटने के दो साल बाद हालात कितने बदले, चीज़ें कितनी बदल गई। सर, सबसे पहली बात, 2019 में जब 5 अगस्त को 370 हटा था और अभी दो साल एग्जैक्ट हो गया है, सिचुएशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात हम करें तो पहले काफ़ी स्टोन पेल्टिंग होती थी, स्टोन पेल्टिंग के दौरान पुलिस वाले मारे जाते थे, सिविलियन बहुत सारे मारे जाते थे, सिक्योरिटी फोर्स वाले भी बहुत शहीद हुए इसमें। ये सब चीज़ बंद हो गया है, इनकाउंटर साइट पर इनको पथराव बंद हो गया है। और गवर्नमेंट का और हम सभी का, आवाम का ये अचीवमेंट है कि पिछले दो साल में नॉट ए सिंगल सिविलियन या सिक्योरिटी फोर्स पुलिस के कोई मारे गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक बात है टेरर इंसिडेंट का, मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट का, उसमें भी करीब 60% गिरा हुआ है। बहुत सारे ऐसे चीज़ है इंडेक्स जिससे हम कह सकते हैं कि बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे कि पहले हड़ताल होता था, हुरियत वाले डेली कॉल देते थे, हर एक महीना में 3-4 दिन हड़ताल कॉल होता था, स्कूल बंद होता था, बिजनेस बंद होता था। लेकिन हुरियत वाले अब इरिलेवेंट हो गए, उनका हड़ताल कॉल नहीं चलता है, कोई नहीं सुनता है, बहुत सारे जेलें बंद है पूरा। और इससे क्या हुआ कि स्टूडेंट को पढ़ाई में दिक्कत नहीं होती है, बिजनेस कम्युनिटी को दिक्कत नहीं होती है, और अमन चैन है यहाँ पर है, जमात इस्लामी वाले मेन लग गया है, उनकी एक्टिविटी बंद हो गया, उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और सबसे बड़ी इसका इंडेक्स है कि लास्ट दिसंबर में जब DDC का इलेक्शन हुआ है, जम्मू कश्मीर में फर्स्ट टाइम हुआ था इलेक्शन, ये पिछले 3 डिकेड में इंसिडेंट फ्री इलेक्शन हुआ है, पूरा 100% इंसिडेंट फ्री इलेक्शन हुआ है। ये गवर्नमेंट के लिए, आवाम के लिए बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे इंडेक्स है, जैसे आप देखते होंगे पहले मिलिटेंस का विजुअल होता था, हजारों लोग चलते थे, जुलूस में जाते थे, मिलिटेंसी उसमें कुछ लड़के ज्वाइन कर लेते, ये बंद हो गया। अब हम मिलिटेंट मरता है कोई तो उसका डेड बॉडी घर वाले को नहीं देते हैं, उस गांव में नहीं दफनाते, बल्कि जाके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में कहीं दफनाते हैं। इससे बहुत सारे जो मिलिटेंट को ग्लैमर मिलता था वो बंद हो गया। इन सारे अच्छे अच्छी कार्रवाई से बहुत सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में बहुत सुधार हुआ था। मिलिटेंसी को लेके आपने सर जो मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करने का जो ऑपरेशन रहा उसमें आपने बहुत मेजर रोल प्ले किया। आप जब देखते हैं कि गांव में जो एक्टिव मिलिटेंट्स पहले थे, आज भी वो जिस तरीके से युवाओं को अपनी तरफ से, जब कहते हैं सर हमारी तरफ कि भाई दिया लास्ट में जब बुझने वाला होता है तो बहुत भभक के जलता है, अभी उसी स्थिति में मिलिटेंसी है कि फ्रस्ट्रेशन में है तमाम ग्रुप्स जो हैं। देखिए अभी जो मिलिटेंसी का ट्रेंड है कि पहले होता है कि इमाम लोग जो है भड़काते थे या पीयर ग्रुप में या मौलवी, अब उसका उतना रोल नहीं जितना कि ऑनलाइन रेडिकलाइज होता है, सोशल मीडिया के थ्रू ये रेडिकलाइज होते हैं, ड्रग्स के थ्रू होते हैं, तो बहुत सारे कम हो गए। रिक्रूटमेंट भी बहुत करीब 50% उसमें कमी आ गई है। और अच्छी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस ऑपरेशन में खासकर एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, 90% इन्फॉर्मेशन JNK पुलिस जनरेट करती है और आर्मी के साथ जाके, सिक्योरिटी फोर्स के साथ जाके ऑपरेशन लॉन्च करती है, उसमें बहुत सारे मिलिट्री मारे गए। लास्ट ईयर एक ऐसा टाइम आ गया था कि LET हो, चाहे जैश मोहम्मद हो या HMT हो या अलबतर हो, सारे तंजीम के आउटफिट के हेडलेस हो गए थे, उनके चीफ मारे गए थे। इस साल भी पिछले 7 महीना में 15 टॉप कमांडर्स मारे गए और 90 टेररिस्ट मारे गए टोटल। तो मिलिटेंसी को, उसके अलावा जो मिलिटेंस को सपोर्ट देने वाला स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं OGW ओवर ग्राउंड वर्कर या मिलिटेंस का टेरर एसोसिएट, करीब 400 पकड़े गए हैं और बहुत सारे अरेस्ट हुए हैं, तो इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। और फर्स्ट टाइम हम लोग लास्ट ईयर शुरू किए थे कि इनकाउंटर के दौरान सरेंडर लेने का पॉलिसी, तो उसमें लास्ट ईयर 14 लड़का सरेंडर किया था एक्टिव मिलिटेंट जी। इस इनकाउंटर में जो एक दो मिलिटेंट मर गया हो और जो जिंदा बच गया सरेंडर गए, उससे पेरेंट्स पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा। और बहुत सारे पेरेंट्स हम लोग अप्रोच करते हैं और उनका बेटा अगर मिलिटेंसी ज्वाइन कर लेता है तो उसको लाने में हम लोग मदद करते हैं और उनको वापस घर लाते हैं। इसलिए पेरेंट्स को पुलिस के प्रति बहुत ट्रस्ट बढ़ा है, इसको हम लोग आगे और बढ़ाएंगे। स्टोन पेल्टर्स को लेके बहुत चीज़ें होती थी और जिस तरीके से सर उस वक्त हम लोग देखते थे लगातार फोर्सेज हो, पुलिस फोर्स हो, आर्मी हो, सब स्टोन पेल्टिंग होती थी, अब एकदम ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी सर? 370 हटने के से दो साल पहले देखें तो लगभग 1400 इंसिडेंट हुआ था स्टोन पेल्टिंग का, और 370 हटने के बाद दो साल में देखेंगे तो घट के लगभग 300 हो गया है। तो ये देख सकते हैं कितना इंसिडेंट कम हो गया है। और मैंने जैसा पहले कहा कि ये पब्लिक भी खुश है, वो भी सपोर्ट कर रही है कि पहले लोग बहुत मारे जाते थे,
इस इंसिडेंट में, लेकिन पिछले दो साल में खासकर 3 सप्ताह हटने के बाद एक भी सिविलियन नहीं मारा गया है, पुलिस के फायरिंग में हो, सिक्योरिटी फोर्स के फायरिंग में हो, या हमारे एक पुलिस वाले को नहीं मारे गए। तो ये इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पर गया है, लोग हमारे लोग की बात समझते हैं, लोग मानते हैं हमारे बात को, और पेरेंट्स भी का बहुत अच्छा रोल है कि अपने बच्चों को समझाते हैं। और खास करके जो हुर्रियत वाले को, सेपरेटिस्ट को, मिसक्रेंट को हम लोग अरेस्ट करते हैं, अभी भी 1000 लोग जेल में बंद है। आज भी हम लोग करीब 16 हार्डकोर टेररिस्ट को आउट ऑफ स्टेट भेजे हैं, जम्मू कश्मीर से हरियाणा भेज चुके हैं आज। इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है इनको। सर, स्टोन पेल्टिंग की हमने बात करी, सबसे आखिर में यही जानना चाहूँगा, अभी भी हम लोगों को पता चलता है, रोज़ खबरें आती हैं कि किसी गांव में, चाहे हम साउथ कश्मीर देखें जो बहुत ही प्रोन एरिया रहा है, वहाँ भी एक्टिव मिलिटेंट्स अभी भी गांव में हैं सर, अभी भी आप लोगों को न्यूट्रलाइज करते हैं। अभी भी 192 मिलिटेंट है, मतलब ऑलमोस्ट 200 टेररिस्ट अभी कश्मीर में है, पूरे कश्मीर वैली में। तो स्ट्रैटेजी कुछ चेंज हुई सर उनको न्यूट्रलाइज करने की? बिल्कुल, हम लोग दोनों ढंग से कर रहे हैं, एक तो उनको रिक्रूटमेंट होने से रोकते हैं, दूसरा सेंडर लेते हैं, तीसरा अरेस्ट करते हैं, चौथा जो नहीं से इसमें आता है तो इन्फॉर्मेशन जनरेट करके उसको इनकाउंटर दौरान उसको एलिमिनेट करते हैं। बच्चे स्टोन पेल्टिंग करते थे, अब नहीं करते हैं, पेरेंट्स सीधा आपसे संपर्क में है, अब संवाद है उनसे? बिल्कुल, पेरेंट्स से बहुत, हमारे थाना लेवल पर, चौकी लेवल पर एक महीना में दो बार मीटिंग होता है पेरेंट्स में और पुलिस वालों के बीच में, वहाँ हम लोगों को समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं। उसके अलावा जो लड़के ड्रग्स लेकर स्टोन पेल्टिंग करते थे, उसके लिए पुलिस का अपना टी ड्रग्स सेंटर यहाँ श्रीनगर में, वहाँ भी लाते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी करवाते हैं हम लोग, काउंसलिंग भी कराते हैं, उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है। सरेंडर भी पहले से बढ़ा है सर? हाँ, सरेंडर ही बढ़ रहा है, सरेंडर बढ़ रहा है। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। इस खास पेशकश में इतना ही, अपने सहयोगी कमर खान के साथ मैं प्रकाश, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।